यूक्रेन युद्ध का अज 32वां दिन है। रूसी हमलों के नाल यूक्रेन विच तबाही लगातार जारी है। हालांकि हाले दोवां विचों कोई भी पक्ष पिछे हटन नूं तैयार नहीं है। उधर रूस ने यूक्रेन के कई वड्डे शहरां नूं बर्बाद कर दिता है। फिलहाल यूक्रेन के खारकीव मारियोपोल इलाके तो रूसी हमले दीआं कई तस्वीरां सामने आ रही ने। इन्हां इलाकों विच हुण तक संघर्ष छिड़िया होया है। इहदे चेचेन लड़ाके रूस की सेना के नाल मिलकर जंग लड़ रहे ने। यूक्रेन के सैनिकों के नाल लगातार जंग जारी है। मारियोपोल उन्हां इलाकों विच शामिल है जिथे रूस जल्द तो जल्द कब्जा करना चाहता है, पर यूक्रेन इत्थे सख्त टक्कर दे रहा है। रूस के निशाने से हुण पूर्वी हिस्से ही नहीं बल्कि यूक्रेन के पछम विच मौजूद लवीव भी है जिथे रूस ने मिसाइलों के नाल वार किया है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बार फिर तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वड्डा हमला बोलिया। अपने पोलैंड दौरे के दौरान बाइडन ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन सत्ता विच नहीं रह सकते। बाइडन का यह बयान तेजी के नाल फैल गया है और इसके कई मतलब हुण कढ़े जाण लगे ने, जिस तो तुरंत बाद व्हाइट हाउस ने इस बयान नूं लैके स्पष्टीकरण भी जारी किया है ते दस्सिया कि बाइडन का कहण के मतलब का कुछ होर अर्थ कढ़िया जा रहा है, जदों कि वह कहना कुछ होर चाह रहे सी। उधर अमरीकी राष्ट्रपति के बयान से रूस ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि बाइडन नहीं तय कर सकते कि पुतिन कदों तक सत्ता में रहेंगे। रूस की जनता ने पुतिन को राष्ट्रपति बनाया। उन्होंने कहा कि बाइडन के इस बयान तो रूस और अमरीका के विचकार संबंध होर गहरा असर पाएंगे। रूस और यूक्रेन के विचकार चल रही जंग में अमरीका और नाटो मिलकर रोकने की कोशिश में लगे हुए ने। ठीक उसी समय उत्तरी कोरिया परमाणु परीक्षण की तैयारी करता दिख रहा है। दरअसल दक्षिणी कोरियाई सरकार के सूत्रों का कहना है कि उत्तर कोरिया जल्दी परमाणु परीक्षण भी कर सकता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगातार मिसाइल टेस्ट कर दुनिया को चुनौती देने की कोशिश कर रहे ने। इस विचकार उत्तर कोरिया वालों हाल ही विच किए गए बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट तो बाद अमरीका ने सख्ती विखाई है। उत्तर कोरिया के शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण तो बाद अमरीका ने नवीं पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है।